हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बटन के बाजू में एक घंटी दिखेगी, उसे भी दबा देना, नहीं तो हमारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको नहीं दिखेंगे और ये एकदम फ्री है। राहु और केतु को प्रसन्न करने का शक्तिशाली मंत्र। दोस्तों, राहु हमारे दुश्मन नहीं है, राहु भी देव हैं। एक प्रकार से समझा जाए तो राहु एक काल्पनिक ग्रह है जो सूर्य और चंद्रमा को निगल जाते हैं। राहु और केतु कैसे बने, इसके पीछे समुद्र मंथन की कहानी है। हम कहानी में ना जाते हुए उनको खुश करने के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि राहु और केतु हमें सिर्फ परेशान करते हैं, वो हमें बहुत फायदा भी पहुंचा सकते हैं। राहु और केतु के सकारात्मक और नकारात्मक यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स के वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इस वीडियो को देखने के बाद वो भी जरूर देखना। राहु और केतु आपके साथ अच्छा करेंगे या बुरा करेंगे, ये निर्भर करता है इस बात पे कि आपकी कुंडली में राहु और केतु किस घर में बैठे हैं और किसके साथ बैठे हैं। इसलिए आप अपनी जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म की जगह यानी कि डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ कमेंट में जरूर लिखें। हम हर एक कमेंट का जवाब देंगे और आपकी कुंडली देखकर ये बताएंगे कि आपके लिए राहु और केतु सकारात्मक रहेगा या नकारात्मक। चाहे राहु और केतु सकारात्मक हों या नकारात्मक हों, हमें उन्हें खुश करना होगा, तभी हमारी सारी प्रार्थना और मनोकामना हमारे इष्ट तक पहुंचेगी और हमें चमत्कार दिखने लगेंगे। इसलिए राहु और केतु को प्रसन्न करने के लिए हर दिन राहु काल में राहु मंत्र का और केतु काल में केतु मंत्र का जाप करना चाहिए। दिन में राहु काल और केतु काल कब आता है, उसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, हमने लिंक दे दी है। हर दिन पढ़ने वाले राहु काल और केतु काल को अच्छे से लिखकर रख लीजिएगा, और फिर राहु काल में राहु मंत्र का जाप करना है और केतु काल में केतु मंत्र का जाप करना है। मंत्रों का जाप कम से कम 108 बार करने का विधान है, ज्यादा भी कर सकते हैं लेकिन 108 से कम नहीं, और ज्यादा करना है तो 108 के मल्टीपल्स में ही करें। दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, वैसे तो यह मंत्र बहुत सरल है। राहु मंत्र इस प्रकार है, ओम राम राहवे नमः। एक बार वो ध्यान से सुन सकते हैं, ओम राम राहवे नमः। अब केतु मंत्र, ये भी बहुत ध्यान से सुनिएगा, वैसे ये मंत्र भी बहुत सरल है, ओम केम केतवे नमः। इसको एक बार और दोहरा के देखते हैं, ओम केम केतवे नमः। तो दोस्तों, यह तो थे राहु और केतु मंत्र। अगर राहु और केतु मंत्र पढ़ने की इच्छा ना हो तो हनुमान मंत्र भी पढ़ सकते हैं। शक्तिशाली हनुमान मंत्र का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस हनुमान मंत्र से राहु, केतु और शनि देव के नकारात्मक प्रभाव से बचा जा सकता है। दोस्तों, पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में एक शिव मंदिर है, उसका नाम है श्री कला हस्ती मंदिर। यह मंदिर राहु पूजन के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके अनसुलझे रहस्य, इसकी महिमा और इसके बारे में कुछ ऐसी जानकारी जो आज तक आपने ना देखी और सुनी होगी, हमारे चैनल पर उपलब्ध है। इसलिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, उसे अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर दें ताकि आपसे ये विशेष जानकारी मिस ना हो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे अन्य रोचक वीडियोस देखने के लिए इस समय स्क्रीन पर दिखाए जा रहे वीडियोस पर अभी क्लिक करें। जय श्री महाकाल। ओम राम राहवे नमः। ॐ केम केतवे नमः।